और ये हमारी पार्टी हो रही है। क्या हाल चाल, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे हम लोग, चुप कर जो ये आ रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी। आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे कंप्लीट सरीना, कंप्लीट तो नहीं लेकिन एक शॉर्ट सा विज़िट करवाएंगे, क्योंकि हम लोग इकट्ठे हुए हैं हाई टी बुफेट के लिए, हाई टी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे चंद एक क्लास वालों सभी को इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आए और ये हमारे साथ आए हैं। इनको इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ सारा। तो फिलहाल हम लोग काफ़ी भूख से परेशान हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर। लो जी, हम लोग पहुँच चुके हैं सरीना। ये वेटिंग हॉल है इसका, सरीना या सरी। वो सामने सेलिब्रिटीज आ रही हैं सरीना में इंटर होते हुए। आज नीले सूट वाला ए सी आर हुआ, लाल सूट वाला जैनो। बाबा जी रन मुरी, बाबा जी तड़ा भरा। ये हमारा स्कोर, ये हम है और ये सरीना है और ये हमारी आई टी हो रही है। नहीं पा दे, उठो अभी जाना पैना। ये देखें जी आई टी के पहले ये सारे सेल्फी। ये हाइटी के पहले हल्ले में हमने ये लिया है। ये है फिश और ये है गोला कबाब और ये पिज़्ज़ा है और ये पता नहीं क्या है और ये नान है और ये फ्रेश नान है, ठीक है। इधर हमारे सभी क्लास फेलो जो डिसेंट बने हुए हैं, उन्होंने सिर्फ गोला कबाब उठाए हैं। ऐसे बताए ना आप, ये फिश है और ये हमारी पार्टी हो रही है। देखें ये जो फिश होती है ना इनकी, ये होती है बोनलेस यानी कंडालेस। और नहीं नहीं पुरानी है, वही सही कराया। अब हम इसे खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैचअप नहीं है, वो लेने गया। इतनी देर में मैंने सोचा कि इसको जो है वो टपाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इसमें कंडा नहीं होता, तो इसे आप बिना किसी डर के रगड़ सकते हैं। मेरा तभी तीसरा या चौथा पीस है और अब इसके बाद मैं अगेन यही लेके आऊँगा। बाकी और भी बहुत सारी आइटम्स हैं, मैंने कोई जो वो सारा ऊपर में लगा हुआ है, इस साइड पे देख सकते हैं। मीट लसंगा, मीट प्लेटेड, अभी दिखा तो सही पूरा। वेजिटेबल समोसा आ गई, ये चने चले तो खा हो गया। ये समोसा वेजिटेबल समोसा है, ये समोसा, ये रोल है, इसके अंदर पट्टे हैं और ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं। ये हमारे अली भाई हैं और ये डेजर्ट्स हैं जिसमें केक्स हैं और कप केक्स हैं और फ्रूट चाट है और क्रीम चाट है और बहुत कुछ है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। ये देखें फिश आ गया, और यहाँ पे सबसे मेरे हिसाब से ना सभी को फिश ही पसंद आई है, फेवरेट है सबके। ये आफ्टर लॉन्ग टाइम एक जहाज़ बनाया है मैंने, इसमें फ़िश है और इसमें ये गोला कबाब है और ये केचप है, ये चीज़ कमाल का कॉम्बिनेशन है, ईमान ना बड़ा मज़ेदार है। देख लें जी मैं कब से बैठा हुआ और ये रश पे गए हुए हैं, रश समय रहे आप लोग, ठीक है। और ये एक बंदा ही इज़ माई फेवरेट डिश, खीर इज़ माई, अच्छा खीर इज़ माई, है
ये देख ले जी, एक बंदा आया है तसल्ली करके आ गया अपनी। नहीं नहीं मैं तसल्ली 3-4 बार करा। और बाकी जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन ये देख लें अभी तक ये शुरुआत है, 2 घंटे अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये यही फायदा होता है प्लेटें देखने और पानी देखने। ये देखें पानी और ये 2 टुकड़े नान के अभी तक खत्म नहीं हुए, 4 जगह लगा चुके हैं। मछली खाई है, छोटा गोश्त खाया है, छोटा तो है बीफ। ये देखें ये डिजर्ट्स हैं, डिजर्ट्स वो ब्राउनी पड़ी हुई है और नहीं 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 ये रहने दो, ये हमें पसंद नहीं है, नहीं ये मत डालो, ये खाओ। ये और यहाँ पे यार एक ना पेस्ट डोनट्स पड़े हुए थे, डोनट्स हम ले गए, रहने दो ये उठा लो। ये खीर नीर नो प्रॉब्लम, आई नॉट वांट, नॉट आई यू नॉट वांट, आ जाओ चले। वो यार 2 जोक चला है। देखें जी ये हमारी हाइटी का एंड है, मेरी खुशी तो बाकियों का मुझे पता नहीं है, उन्होंने क्या क्या खाया, कब कब खाया है। ये केक है आई थिंक सो, और ये टी है फ्रेश। हाँ अब इसका कॉम्बिनेशन ट्राई करने लगा हूँ कैसा है, ठीक है। और ये हमारी इख्तितामी वीडियो बन रही है और इसके बाद ख़त्म, थैंक यू खलास। अब सभी ने अपने अपनी तसली की हुई है यहाँ पे, मैं भी तू से ही 1600 पूरा कर रहे हैं अपना। और ये जी 1600 रुपये पर हेड आया था हाइटी का, तकरीबन ऑलमोस्ट 35-40 डिशेज। तो अब क्या करना है, बस जाना है, टाइम ख़त्म होने वाला है, 4 से 6 बजे तक थी और हम पहले आधा घंटा लेट आए हुए थे। ये थोड़ा सा ज़ूम कर लो, ये जैन भाई हैं और पर आया तुम जानते हैं, ये जैन भाई हैं, वो शकलैन भाई हैं, वो शकील भाई हैं, ठीक है। आपके आपके सी आर अच्छे भाई हैं, हमारे सी आर और साथ में फैसल भाई आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारे साथ यासिर भाई हैं और साथ मुबीन है, ठीक है। तो मैं तेरी चक्की छोड़ती थी, मेरा भी नाल है। ये हमारे अली भाई हैं, और इंट्रोडक्शन में आपको जो है वो मैं क्या करूं? ओ यार फ्रंट का ज़ूम नहीं हो रहा, बैक टू ज़ूम करना। ओह माय गॉड अभी बताता हूँ, चले स्टार्ट हो जाए। ये जट साहब खुद है, हाँ बस इतने ही कहना। और जी अब आपको दिखा रहा हूँ मैं अंदरून शरीनी हो जाओ, ठीक है। ये देखें ये इसका मेन हॉल है, उधर से हम सीधा गए थे और हम हाइटी वाले हाइटी की तरफ, और ये फ़ोटो शूट हो रहा है, ठीक है। और बेचारे जो है वो मेरे समेत पहली बार है, ठीक है। ये देखें ये देखें वैसे खुले जानवरों की तरह फिर रहे हैं, और हमारे आने से रौनक बढ़ गई है। चलिए ठीक है फिर, ओके विजट भाई हमें विजट भाई हमें छोड़ के जा रहे हैं और ध्यान से जाना, गुड बाय। यहाँ पे जितनी भी टीम्स आई हैं जिन्होंने जिनको पाकिस्तान ने होस्ट किया, उन सभी के सिग्नेचर हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के, ठीक है। ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका 2007 में, फिर इंडिया 2006 में, जिम्बाब्वे 2008 में, ठीक है, बांग्लादेश फिर जिम्बाब्वे फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान 2008 में, इसमें पाकिस्तानी प्लेयर भी शामिल हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज के ब्लॉग का अख्ताम होता है यहीं पे, हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। और आज जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि हम लोग आईटी की तहस नहस कर गए हैं,
लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एट द एंड पता आया एनवायरनमेंट अच्छा था, गैदरिंग का मज़ा आया, ठीक है। और अब बस ज़्यादा बातें नहीं करते, अली भाई भी सारे खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि खा ही इतना लिया है तो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो अब अपने भाई बल्कि अपने तीनों भाइयों को दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, ठीक है।